हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। होप सब सही हो। पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आज के वीडियो पर आ जाते हैं। आज का वीडियो मेरा टैटू आर्ट के ऊपर है। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने वो बहुत कह रही थी कि मुझे टैटू बनाना है, मुझे ऐसा वाला टैटू चाहिए। एक्चुअली उसने मेरा डेथली हेलोज वाला जो मैंने टैटू बनाया था वो पेपर के ऊपर था, तो उसको देख के वो पसंद आया था। और आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो वो मेरे पॉपुलर वीडियोस में है, आप देख सकते हो। तो वो देख के उसको बहुत पसंद आया था, वो कहने लगी कि मुझे ऐसा ही बनाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बना दूँगी मैम। तो मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट करने की या कलरफुल कुछ करने की, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में अभी चाइनीज़ मेहंदी या केमिकल मेहंदी जो है आते हैं उससे काम बन जाएगा। मुझे पता था कि ब्लैक और रेड आते हैं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता था कि चाइनीज़ मेहंदी में अभी वेरिएशंस यूँ आ गए हैं कि वो कलर्स में भी आने लगे। और ये मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर कोई टैटू बनाना चाहे। कलरफुल बता दो, कुछ भी बता दो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो इसके सहारे। मगर इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। जैसे कि हमारे हाथ में जो ऑर्डिनरी मेहंदी होती है, जो नॉर्मल मेहंदी होती है, वो 15 दिन टिक जाते हैं अगर आप टिका पाओ तो, और हार्डली वो 10 दिन तो टिक ही जाते हैं। तो मगर ये मेहंदियाँ ऐसी नहीं है, ये ऑलमोस्ट यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम है इसके साथ। तो आज मैं ये एलियन गर्ल बनाया है अपने फ्रेंड के हाथ पर, उसका नाम भी मैंने लिखा था। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा।